मिर्चें और नींबू, और ये है आपकी बहुत ही मज़े की बहुत ही अच्छी सी चिकन की बिहारी रेडी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैप्स विद किचन। मैं टैप्स हूँ, और जो लोग वापस आए ना इस चैनल में उनको तो पता ही होगा ये मेरा किचन है। हमारी बहुत गर्मी हो गई है सिडनी के अंदर, हमारी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। पिछले हफ्ते 36 डिग्री था, और पूरी दुनिया में सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, हमारी गर्मियाँ स्टार्ट होती है। अब चलिए, ये तो होता रहता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप सोच रहे होंगे किस बात का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, मैंने नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप लोगों का इतनी एनकरेजमेंट का। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं चिकन की निहारी। और जो चिकन की निहारी है उसको बनाने के दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि बहुत से लोग जो है ना वो रेड मीट नहीं खाते, तो उनको भी तो खानी होती है ना निहारी पे। और दूसरी बात है कि ये बहुत क्विक रेसिपी है चिकन की निहारी की, इतनी क्विक नहीं है, 45 मिनट्स फिर भी लगेंगे इसके अंदर, तो इसलिए मैं ये चिकन की निहारी बना रही हूँ। तो चलिए फिर अपनी थोड़ी सी वखरे टाइप की चिकन की निहारी बनाने के लिए। तो चिकन की निहारी बना रहे हैं उसके लिए हमें चिकन तो चाहिए, तो मेरे पास है 1.5 किलो चिकन, और यहाँ पे दो सेट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो पहले इसकी तरफ आते हैं। ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून ज़ीरा, ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून काली मिर्च, ये है मेरे पास 1 टीस्पून किलौंजी, ये है मेरे पास जायफल एंड जावित्री, आप देख लें इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। ये मेरे पास है एक सिनेमन स्टिक दालचीनी, ये है 3 बड़ी इलायचियाँ मेरे पास काली वाली, और ये है मेरे पास बदाने का फूल, आप ये देख लें, और ये है मेरे पास लौंग, 1 2 3 4 5 6 6 लौंग है, और ये है मेरे पास ग्रीन इलायची, हरी इलायची, छोटी इलायची भी इसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, और ये है मेरे पास पीपली। अब ये जो पीपली है इसको लॉन्ग पेपर भी बोलते हैं, और ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। सो ये अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये हर जगह से मिल जाती है, अगर मुझे सिडनी में मिलती है तो हर जगह ही मिल जाएगी। और ये है मेरे पास 2 बे लीफ बड़े बड़े से, ठीक है, तो ये एक सेट हो गया। दूसरा जो है ये मेरे पास है साबुत धनिया जो उसके जो सीड्स होते हैं 1 टेबलस्पून, अगर आपने नहीं है आपने तो आप पाउडर जो है वो भी आप 1 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं। ये है मेरे पास टर्मरिक हल्दी, ये है 1/2 टीस्पून, ये मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा, लेकिन मेरे पास इस वक्त 2 टीस्पून है। ये है मेरे पास सौंठ है, इसको मैं ग्राउंड करूँगी क्योंकि आपको पता है मैं अपने मसाले खुद पीसती हूँ, लेकिन आप जो है पीसी हुई भी ले सकते हैं। तो ये बनेगी अराउंड 1 टीस्पून ऑफ सौंठ, और जिसको ड्राई जिंजर है, और मैं क्योंकि अपनी चिलीज भी खुद पीसती हूँ तो मेरे पास है 2 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स, इसको भी मैं पीसूंगी, लेकिन आप अपनी मर्जी से मिर्चें डाल लें जितनी आपको पसंद है। ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून जिंजर, और ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक। चलें फिर अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सारे मसाले हैं ना इनको हमने एक फ्राइंग पैन में डालकर हल्का हल्का सा भून लेना है, ड्राई रोस्ट करना है, और ये बेलीव्स भी इसी में जाएंगे, ठीक है। अब इनको हमने हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करना है, और जब ये ड्राई रोस्ट हो जाए फिर हम इनको पीस लेंगे। चलिए अब ये जो है ना हमारा मसाला, ये देखें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, ये जो है ना ड्राई रोस्ट हो गया। अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लें और इसको थोड़ा सा धोए निकल रहे हैं इसके अंदर से, और इसको थोड़ा सा जो है ना ठंडा होने दें, फिर हम इसको पीस लेंगे। अब चलिए इसको पीसते हैं। सो देखें जो मसाला हमने भुना था ना वो सारा मैंने पीस लिया। अब इसमें से हमने क्या करना है कि ये देखें 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून हमने मसाला निकाल लेना है। अब आपको याद है कि वो जो लाल मिर्चें, सौंठ और साबुत धनिया था उस सबको भी मैंने पीस लिया है। ये सारा मसाला जो है मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी आसानी के लिए, ये जो हल्दी थी वो भी, और नमक को मैं रहने दूंगी। चलिए फिर अब अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए एक पैन में हमने ऑयल ले लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया, आपकी मर्जी है घी डालना है डालो, अगर नहीं डालना तो भले नहीं डालना।
के उसे तेज अच्छा होता है। ठीक है, एक घी मेल्ट होके अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा पिसा हुआ लहसुन था 2 टेबल स्पून हम वो डाल देंगे और 1 टेबल स्पून अदरक, और अब हम इसको ब्राउन कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारा है ना अदरक और लहसुन ये मिक्स हो गया, अब हम इसके अंदर चिकन को डालेंगे। अब हमें इसमें चिकन फ्राई करना है एक्चुअली, और आपका जो है ना ऑयल वो काफ़ी गर्म होना चाहिए। तो देखिए अब चिकन है, अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करना है। इसको कम से कम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तो लगेंगे फ्राई होने में। ये चिकन को हमने ऐसे ब्राउन करना है और फिर मसाला डालेंगे। हमने ये किया कि जो गोश्त है ना उसको हमने पूरा ब्राउन कर दिया था, और याद है वो जो सारा मसाला हमने पीसा हुआ था वो सारा हमने इसके अंदर डाल के इसको ये देखें हम भून रहे हैं। मैंने भी इसमें नमक नहीं डाला है, नमक जो है वो हमेशा आप भूनने के बाद डालें, क्योंकि जब आप नमक डालते हैं ना तो गोश्त पानी छोड़ देता है। तो अब हम इसके अंदर अपना सॉल्ट डाल देंगे जो मेरे पास था 2 टीस्पून, और इसको अब हम थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। चलिए अभी हमारा मसाला अच्छे तरीके से देखें भून गया बहुत ज़्यादा, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी जो है आपने इतना ही डालना है कि जो चिकन है ना वो इसमें डूब जाए और ये चिकन में थोड़ा सा पके। हमने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है, अब हम क्या करेंगे इसको ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए पकने रख देंगे। अब जो हमारा चिकन है ना वो पिछले कम से कम 1/2 आवर से बहुत हल्की आंच पे पक रहा है, और ये देखें इसके ऊपर ये तेल आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर से तरी जो है ना वो निकाल के एक बॉल में डाल देंगे। ये जब तरी है ना हम इसको इस बॉल में इससे निकाल रहे हैं कि जब हम इसके अंदर अभी आटा मिक्स करेंगे ना तो उसकी जो शक्ल ना उससे डिफरेंट होती है। तो आप देखिए बाजार में ना वो ऐसे ही करते हैं, तरी निकाल लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने ये लेना है, ये 1 कप पानी है मेरे पास ठंडा टैप वाला, और इसके अंदर आप डालने 3 टेबल स्पून जो है आटा। अगर आपको कॉर्नफ्लोर पसंद है, कुछ लोग वो डालते हैं वो डालने, लेकिन आटा सही है, और डिपेंड कि आपको कितना थिक पसंद है। तो अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप ज़्यादा आटा डालें, लेकिन इसको अच्छे तरीके से फिर आपने मिक्स करना है। अब जो हमने ये पानी में आटा मिक्स किया था, अब हमने इसको अपने सालन में डाल देना है, इससे थिकनेस आएगी। ये देखिए अब हमने इसके अंदर आटा डाला था ना, देखिए इसकी शक्ल कैसी होगी, इसीलिए हम इसकी तरी को निकाल देते हैं। अभी हमारी निहारी तैयार है, अब हम क्या करेंगे कि इसको अब एक बॉल में ना हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने ना निहारी को देखें एक बॉल में निकाल लिया। अब आपको याद होगा जो हमने तरी निकाली थी, अब वो तरी जो है आप निकालें, गर्म है मेरा बॉल थोड़ा सा, और वो सालन के ऊपर ऐसे डालते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो सेपरेटली अगर किसी को नहीं पसंद है तो छोटे छोटे बॉल्स में डाल के ऊपर से ये तरी डालें। वैसे तो मैं इसके ऊपर घी का ना थोड़ा सा तड़का भी लगाती हूँ, लेकिन जब आप सर्व करें ना उस पर थोड़ा सा घी का तड़का ज़रूर लगाइएगा। सो ये देखिए अब ये तरी निहारी के ऊपर हमने डाल दी है, बहुत अच्छी बन रही है। और आपको याद होगा हमने वो 2 टेबल स्पून मसाला निकाल के रखा। सो अब दो तरीके हैं, या तो आप उसको सर्व करने से पहले ऊपर छिड़क दें, इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत है, और जब आप यू नो सर्व करें लोगों को तो साथ में ये भी दीजिएगा, और साथ में ऑफकोर्स ये लवासना यू नो फ्राइड अनियन को ब्राउन कर लें, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, थोड़ा नॉट कुटा हुआ कटा हुआ एक्चुअली, और थोड़ा सा चॉप्ड मिंट पुदीना, और ये थोड़ी सी जो है ना ये अदरक, हरी मिर्चें और नींबू, और ये है आपकी बहुत ही मज़े की बहुत ही अच्छी सी चिकन की निहारी रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिएगा, आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह आपको मेरी आने वाली फ्यूचर की रेसिपीज के जो है ना वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, नहीं तो आपने मेरी रेसिपीज को मिस कर देना है। तो अब टाइम होता है गुड बाय करने का, सो गुड बाय, हैव अ लवली वीकेंड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।